श्रीमान रुडियार्ड किपलिंग जी के द जंगल बुक की प्रेरणा, हमारे मित्र मोगली का घर पेंच। एवं भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच। पेंच नदी के कारण जिसका नामकरण हुआ वो पेंच। बफर और कोर मिला के कुल 1180 किलोमीटर में फैला विविध प्रजाति के पेड़ों, प्राणियों एवं पक्षियों से समृद्ध पेंच। प्रातः और संध्या के समय सूर्य की किरणों से चमकता स्वर्ण समान प्रतीत होने वाला पेंच। ऊंचे ऊंचे और विशालकाय पेड़ों से समृद्ध पेंच। नाग समान जाने वाले कभी शांत तो कभी हलचल से भरे रास्तों का पेंच। घास के मैदान तो कहीं पत्थरीले पहाड़ों की रचना से निर्मित पेंच। छोटे मोटे एवं तोतला डोह बांध से बने विशालकाय जलाशयों से सुशोभित पेंच। अब और क्या बताएं इसकी सुंदरता के बारे में। भारत के उत्तम वन्य अधिवासों में अपना स्थान निर्माण किया है पेंच ने, तो जाइएगा जरूर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए। धन्यवाद।